वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कल मार्केट क्या मोमेंटम कर सकता है, हम क्या स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं और मार्केट का वे किस साइड की हो सकता है, हम इसका प्रेडिक्शन करेंगे। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं। निफ्टी का चार्ट हमारे सामने वन डे के टाइम फ्रेम पे ओपन है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि इस शार्प रैली के बाद मार्केट ने अब थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया है अपन को। ये एक स्विंग टाइप का बना रहा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनी है। यहाँ पर इसका सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर इसने रेड कैंडल बनाई है, कोई बुलिश साइन नहीं बनाया पर यहाँ सपोर्ट ले रहा है। तो अब हम इसको थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि इसी जगह ये जहाँ एक लास्ट पॉइंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, आप देखेंगे उसी जगह पे सपोर्ट भी है और ये ट्रेंड लाइन भी है। तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा चांसेस कल की मार्केट जो हो सकता है कि यहाँ से अपसाइड की ओर रिवर्सल है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके दोबारा एक स्विंग बनाए। तो हम इसको इंटर डे के लिए ट्रेड करेंगे। तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं कल क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो सपोर्ट है इसका, जो पहले एज अ रेजिस्टेंस इस पॉइंट पर एज अ रेजिस्टेंस बिहेव किया था, बाद में सपोर्ट, देन अगेन सपोर्ट, देन अब इस सपोर्ट को ब्रेक तो किया है बट यहाँ पर आप देख रहे हो पिन बार कैंडल्स जनरेट हो रही हैं। इससे ये इफेक्ट दिखता है कि हाँ बायर्स यहाँ पर हैं। तो अगर ये मार्केट कल की डेट में ये जो ये वाली लाइन है 17,900 के ऊपर आता है और यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनता है, तो हम इसको दोबारा से एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 17,900 है तो 17,890 मतलब 10 से 15 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको अपसाइड का मोमेंटम 17,978 या 80 तक का मोमेंटम देख सकते हैं। मतलब कि 10 से 15 रुपये का स्टॉप लॉस लेके हम 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर मार्केट को डाउन साइड जाना रहेगा तो ये इसको ब्रेक किया है और कल भी अगर डाउन ही करता है, रेड कैंडल बनती है यहाँ पर एक बेहतरीन गैप अप, अगर गैप डाउन खुलता है तो आप वेट कर लीजिए, तुरंत शॉर्ट सेलिंग मत कीजिए। और अगर नॉर्मल साइडवेज खुलता है तो अगर रेड कैंडल यहाँ बनती है दोबारा, तो इस पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 17,900 का स्टॉप लॉस लेके आप नीचे अपना यहाँ तक का टारगेट या फिर यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। इस एरिया तक का टारगेट, ये जो लास्ट सपोर्ट है इस एरिया तक का टारगेट अपना रख सकते हैं। तो अब देखते हैं मार्केट किस तरफ खुलता है, अपसाइड की ओर खुलता है या फिर डाउन साइड की ओर खुलता है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में जो सिनेरियो बन रहा है, ये हमारे पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है, हम इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो लास्ट रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट उसने ब्रेक, एज अ सपोर्ट बिहेव किया फर्स्ट टाइम, पिन बार कैंडल जनरेट हुई, देन उसके बाद यहाँ पर ब्रेक कर दिया और डाउन साइड देख रहे हो आप यहाँ पे बीयर्स कितने पावरफुल है। मार्केट यहाँ तक गया था बट उसको दोबारा नीचे लेके आ गए। तो इससे काफ़ी हमें अंदाज़ा लग सकता है कि कल बैंक निफ्टी और क्रैश हो सकता है। ठीक है, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो जनरेट हो रहा है। दोस्तों आप ये देख सकते हो ट्रेंड, मतलब इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा है और ये सपोर्ट तो उसने ब्रेक कर ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें डाउन साइड का सिग्नल जनरेट होता दिख रहा है। अब हमें जिस टाइम पर ट्रेड करना है वो टाइम हम देख लेते हैं। अब ये मार्केट जैसा कि आप देख रहे हो ये वाला सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। ठीक है, राइट, एक तो ये किया ही है और एंटर डे में देखें तो जो एज अ लास्ट रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है, रेजिस्टेंस हमेशा सपोर्ट का बिहेव करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस था और वही यहाँ पर सपोर्ट हुआ है, राइट। तो इसको ब्रेक तो कर दिया है इसने, अब थोड़ा सा ऊपर रीटेस्ट करके इसी लाइन को दोबारा से बेयरिश सिग्नल बनता है हमारे पास, तो हम इसको दोबारा डाउन साइड की ओर ले जा सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के 10 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे और दोबारा हम नीचे की ओर अच्छा खासा 100 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर इंटर डे के लिए एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो, लॉजिकल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों एक हमारा KSM शॉर्ट्स, नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट शॉर्ट्स का चैनल है जिसपे मैं सारे शॉर्ट्स टेक्निकल डालता हूँ। ठीक है, सारे टेक्निकल शॉर्ट्स हैं, आप 15 से 30 सेकंड की वीडियो में बहुत सारा ज्ञान ले सकते हो। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और हमारे नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट को तो हमेशा सब्सक्राइब कर ही लो नॉलेजफुल वीडियो के लिए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और डेली अपडेट्स के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।